हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई विश कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी मज़े, सुकून और हैरियत से गुजर रही होगी। बालों की खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका अपना ख्याल नहीं रखती, मेकअप नहीं करती, बनाव सिंगार नहीं करती, अगर बाल अच्छे से बने हों, हेल्दी हों, खूबसूरत हों, तो आपकी जो लुक है वो और ही नज़र आती है। आप शानदार लगती हैं, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका जो मामूली सा बनाव सिंगार है उसको भी चार चांद लग जाते हैं। तो बालों की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल की लड़कियाँ इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किए हुए हैं कि बाल जो हैं वो ज़बरदस्त होने चाहिए। बाल अच्छे होंगे तो हर मौके पे आपकी डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग बालों की बहुत ज़बरदस्त होगी। जब बाल अच्छे नहीं होंगे तो आप कोई स्टाइल नहीं बना सकती, कोई आप उसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं कर सकती उसकी, तो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाती हैं बहुत सी गर्ल्स। लेकिन किसी गर्ल ने भी, किसी लड़की ने, किसी खातून ने, किसी बच्ची ने भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, क्योंकि आज जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ वो इतनी कोई ज़बरदस्त है, इतनी शानदार है कि आप उसको यूज़ करेंगे और आप विद इन 2 वीक्स रिजल्ट देखेंगे और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और कमेंट सेक्शन में आपने लास्ट में बताना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रेमेडी के साथ, लास्ट भी बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही घरेलू सी चीज़ें हैं, हर घर में मौजूद होंगी चीज़ें, एक आधी चीज़ लेनी पड़ेगी या वो भी मौजूद ही होंगी। कोई मैं आपको जड़ी बूटियां नहीं बताने वाली मुश्किल मुश्किल, जो आपको ढूंढनी पड़े पंसारों की दुकानों पे जा जा के ढूंढनी पड़े, इतनी कोई मुश्किल आपको जड़ी बूटियां नहीं बताने वाली। मामूली सी चीज़ें होंगी जो आप इजीली ढूंढ सकेंगी, आपके घर में ज़्यादातर चीज़ें मौजूद होंगी, एक आधी चीज़ होगी जो आपको मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएगी, आपको किसी और शॉप पर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको अच्छे से अच्छा नुस्खा, अच्छे से अच्छी रेमेडी आपके लिए लेकर आऊं जो आपको फ़ायदा भी दे। अब आपका क्या काम है, आपके दो काम हैं। एक तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके और आप इंजॉय कर सकें हमारी वीडियोस को। सब्सक्राइब कर दें अगर कर दिया है। दूसरा काम ये करना है कि आपने हमारे चैनल पर जाना है और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी देखना है, पसंद करना है, विजिट लास्ट में कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और कमेंट्स भी लास्ट में कीजिएगा। अब चलते हैं आज की जबरदस्त सी सिंपल सी रेमेडी की तरफ। आपको मैं जो ऑयल बनाना सिखाने वाली हूँ, आपका जबरदस्त सा ऑयल तैयार होने वाला है, ये आपने लास्ट भी ट्राई करना है और अपनी राय भी देनी है। चलते हैं जी आज की रेमेडी की तरफ। आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देख के परेशान नहीं होना कि इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, बहुत मामूली से हैं, आपके घर में मौजूद होंगे, घबराना नहीं है और कहीं नहीं जाना, इधर ही रहिएगा, आप देख के खुश हो जाएगा दिल के वाओ, ये तो बहुत सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले चाहिए सरसों का तेल, जो कि हर घर में हर ड्रेसिंग टेबल की जीनत होता है, हर बाथरूम की जीनत होता है। आपको सरसों का तेल लाजमी आपके घर से ही मिल जाएगा, सरसों का तेल लेना है आपने। दूसरा आपने लेना है कोकोनट ऑयल, गरी का तेल लेना है आपने। ये दोनों आपने हम वजन लेना है, जितने आप ये लेंगे उतना ही आप ये ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 1 कप लिया है, 1 कप सरसों का तेल, आप हाफ हाफ कप भी ले सकते हैं, मैंने छोटा कप जो होता है वो लिया है, 1 कप सरसों का तेल और 1 कप कोकोनट ऑयल। आपने इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम रखनी है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो चाहिए सुरमा, सुरमा भी हर घर में मौजूद होगा, ये हमें 1 टीस्पून सुरमा चाहिए, 1-1 छोटे कप जो है वो सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून सुरमा चाहिए। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स, ये है मेरे पास 200 mg के कैप्सूल्स हैं, मैंने 3 लिए हैं। अगर आप इसे बढ़ाना भी चाहते हैं तो इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इससे फ़ायदा ही होगा, इससे कम नहीं लेने, 3 से कम नहीं लेने आपने, ठीक है, इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 4 to 5 कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं करने और 3 से कम नहीं करने। मैं 3 ले रही हूँ, 200 mg के इवियोन के कैप्सूल हैं, विटामिन ई कैप्सूल का नाम लेकर आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, इस तरह के रेड कलर के आपको मिलेंगे, तो आप ये 3 डालेंगे। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है बादाम रोगन, रोगने बादाम आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, ये देख सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून रोगने बादाम, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा।
फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है, सॉरी सिक्स इंग्रेडिएंट जो है वो आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन मैंने डाला हुआ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, वो भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है। बादाम रोगन और ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून, सरसों का ऑयल और गरी का तेल 1 स्मॉल कप, सुरमा जो है वो आपने लेना है 1 टीस्पून, विटामिन ई के कैप्सूल 3 से 5 तक आप ले सकते हैं। ये जिस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम इनको मिक्स करेंगे और हमारा शानदार सा ज़बरदस्त सा इफ़ेक्टिव ऑयल रेडी हो जाएगा, जिसको लगाने के बाद आप लाजमी कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है जनाब। अब इनको मिक्स करेंगे हम एक बॉल के अंदर। सुरमा डाल दिया है हमने, अब हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल, गरी का तेल, ग्लिसरीन डालेंगे, इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। ये लाजमी आप डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। बहुत से लोग जो हैं इसको फालतू चीज़ समझ के शायद स्किप कर दें, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बादाम रोगन 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे अब जी। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। कट लगा के रखा हुआ है मैंने, 1 सेकेंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डाली हैं ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए चीज़ों का। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो गया है। आपने इसको वीक में 3 दफ़ा लगाना है, डेली भी लगा सकती हैं लेकिन 3 दफ़ा से कम नहीं लगाना। 3 दिन लाजमी आपने वीक में 3 दफ़ा आपने लाजमी इसको लगाना है और फिर आप इसके शानदार रिजल्ट्स देखिएगा। इसको आपने रात को लगाना है और सुबह आपने वॉश करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि अभी लगाया है और साथ ही आप वॉश करने चली जाए, कोई स्मेल नहीं है, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है, ये ना सोचेगा कि स्मेल आ रही है। आप रात को लगाएं और सो जाएं, सुबह आप उठ के सर धो लें, वॉश कर लें, तो आपको बहुत ज़बरदस्त से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो यूज़ किए होंगे, आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं कैसे नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलने वाला है। इसलिए इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा और लगेगा और बहुत पसंद आएगा, और यकीनन आप इसको लाजमी बनाया करेंगी हर बार। इतना सा ऑयल आपका 15 से 20 डेज़ चल जाएगा, अगर आप वीक में 3 दफ़ा लगाएंगी तो आपके इजीली 1 मंथ के करीब करीब चल जाएगा। इतना ही आपने बनाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनाना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं तो उनके ख़राब होने का अंदेशा होता है, और अगर ये अगर ज़्यादा टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे ऑयल्स को मिक्स करके रखें तो उनका जो असर है वो कम होता जाता है। इसलिए हर दफ़ा आप फ्रेश बनाइए, इतना सा बनाएं ताकि आपका 20 से 25 दिन या 1 मंथ आपका चल जाए। इतना सा ही बनाइएगा, आपका इजीली 1 मंथ निकल जाएगा, तो इसे ज़्यादा ना बनाइएगा। दोबारा फ्रेश बना लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई चूल्हे के आगे नहीं जाना, आपने बैठना है और मिक्स करनी है चीज़ें, घर से ही चीज़ें लें, मिक्स करें और आप इसको बना लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट में पूछिएगा, मैं लाजमी उसका आंसर दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, परेशानी हो, परेशान नहीं होना, जस्ट आपने कमेंट करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाजमी विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल पर। बाकी वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा, पसंद आएंगी आपको। रिव्यूज़ भी हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस भी हैं, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और फैशन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। लाजमी विज़िट कीजिएगा और पसंद भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आपने जब भी इस ऑयल को इस्तेमाल करना है तो आपने उसको अच्छे से पहले शेक करना है, अच्छे से हिला लेना है, उसके बाद यूज़ करना है ताकि उस इस ऑयल का कोई भी इंग्रेडिएंट अगर उसकी तह में बैठा हुआ है बॉटल की या कंटेनर की तो वो सारा मिक्स हो जाए और आपको 100% रिजल्ट दे सके, क्योंकि उसमें सुरमा भी ऐड है, ग्लिसरीन और रोगने बादाम भी ऐड है, तो मुमकिन है कि उनमें से कोई भी चीज़ उसके तह में बैठ जाए। तो जितनी बार जब भी आपने यूज़ करना है उसको अच्छे से हिला लेना है और सिर्फ उसके बाद आपने यूज़ करना है। ये चीज़ रह गई थी, मैंने कहा मैं आपको एंड पे इसको बता दूं ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल सके। आपने उसको इस ऑयल को किसी भी कंटेनर में सेव कर लेना है डालकर, मेरे पास ये शैम्पू की बॉटल थी मैंने इसके अंदर उसको डालकर सेव कर लिया है। आप किसी भी कंटेनर में उसको सेव कर, किसी भी खाली बॉटल में उसको सेव कर सकते हैं। मैंने इसमें सेव किया है, जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी अच्छे से शेक करूँगी और देन मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मैंने अपने लिए बना लिया है, आप कब बना रहे हैं अपने लिए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और बना के भी बताइएगा कि हमने बना लिया है और हम यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स का भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।